दोस्तों हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO के बारे में सुना ही होगा, अगर आप जानना चाहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत बात, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सुना ही होगा, आज हम बात करते हैं कि होता क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ये तरीका जिससे आपकी वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो कौन सी रैंकिंग में ध्यान है यानी गूगल सर्च में उसका नंबर कौन सा आना है, पहले नंबर पे, दूसरे पे या तीसरे पे, ये होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी आपकी वेबसाइट कितने नंबर पर आनी है, पहले पेज पर, दूसरे पेज पर या फिर पहले पेज पर कौन से नंबर पर, ये होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये काम कैसे करती है, मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा यूट्यूब के बारे में, तो मान लो आपने आर्टिकल लिखा उसमें आपने कितनी जगह यूट्यूब का नाम लिखा, साथ ही साथ आपने कितने उसके अंदर लिंक दिए, जिनके जो जिन लिंक को ऊपर करने के बाद भी वही पेज खुलता है जिसमें यूट्यूब के बारे में डिटेल दी गई है। अगर ये सभी मिल जाते हैं और यूट्यूब वाले आपकी या फिर गूगल वाले आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं, पूरी वेबसाइट को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ जिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अलग से लिंक दिए कि उन वेबसाइट को जाकर आप वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, उन वेबसाइट में भी इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर उन सभी में आपकी जो आपने जिसके बारे में आर्टिकल लिखा है उसमें सबसे ज़्यादा टाइटल मैच होते हैं तो वो वेबसाइट आपकी उतनी ऊपर आ जाती है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट में दिए गए सभी नाम जितने भी लिंक है सभी को स्कैन करता है, अपने मेमोरी में स्टोर करता है, उसके बाद जब आप उन्हें सर्च करते हैं तो वो उसी हिसाब से वो उनको ऑप्टिमाइज करता है और आपकी वेबसाइट में ऊपर दिखाता है। ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।